मेरे भविष्य के VLDA डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आपके लिए। तो दिखा देना अपना दमखम भाई, देखते हैं आज आप 25 में से कितना स्कोर करते हो। और अपना जो स्कोर है बच्चों, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई, और प्रत्येक बच्चा रिप्लाई ज़रूर करना भाई। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना और वहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज़ द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ ए फ्लावर, कि एक फूल के बीच में जो येलो डस्ट पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे। दे दो भाई फटाफट से आंसर, आसान आसान से क्वेश्चन से साथियों आंसर जरूर देना भाई। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर, इन प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बच्चों, ये जो बायोलॉजी के मैंने प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, ये 40 मार्क्स, यहाँ से 40 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो उम्मीद है भाई कि 30 से 35 नंबर तक का जो काम है आपका, ये वीडियो क्लासेस प्रैक्टिस सेट में से आ जाएगा। कोशिश 40 की रहेगी, बट 30 to 35 आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने वीडियो क्लासेस अच्छे से देख ली। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पोलन। आइए भाई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी है भाई, फटाफट से आंसर दे दो, क्योंकि स्टडी पे हर बार एक क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दे दो साथियों, और वीडियो क्लासेस को कम से कम भाई 2 बार जरूर देखा करो, ताकि क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। जितना आप क्योंकि हम प्रैक्टिकल हो चुके हैं आजकल, टीवी देखना मोबाइल देखना हमारी आदत हो चुकी है, और टीवी और मोबाइल में जो चीज़ हम देखते हैं हमारे माइंड में जल्दी सेट होती है। तो इस क्लास को कम से कम 2 बार जरूर देखा करो, ताकि ये डाटा आपके माइंड में सेट हो जाए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सीड्स। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हु इज नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर किसे कहा जाता है साथियों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, जो हर रोज़ रिप्लाई करते हैं, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो उन सभी बच्चों को वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। इसी तरह से तैयारी करते रहो, आप लोगों का एडमिशन VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, VLDD में आपका एडमिशन भी होगा, ठीक है। और हम प्रे करेंगे कि आप सबका एडमिशन लुवास यूनिवर्सिटी में ही हो जाए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका एरिस्टोटल। क्या रहेगा? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की एक बुक भी आई थी, ठीक है। वो बुक, उस बुक का नाम मैंने आपको कई बार बताया है, तो एक बार लिख दो भाई, फिर मैं आपको बताता हूँ। लाइव चैट में लिख दो उसका नाम बुक का फटाफट से। तो बच्चों, उसकी बुक थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। क्या थी? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। जूलॉजी में हम जीवों के, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, कि उस एनिमल का नाम लिखिए जो बिना रेड ब्लड सेल के हैं, जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। फटाफट से नाम लिख दो भाई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बड़े अच्छे बच्चे हैं यार, जो जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अर्थवॉर्म, यानी कैचुआ। और कैचुए में कितनी आंखें होती हैं बच्चों, फटाफट से बता दो भाई। कैचुए के कितनी आंखें होती हैं, फटाफट से बता दो। तो आप कहोगे सर 0, कोई भी आंख नहीं होती कैचुए की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, दे दो भी आंसर फटाफट से। बस बच्चों, आंसर जरूर दिया करो यार, आपके आंसर पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा 4 किलो कैलोरी, कि 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के पिता किसे कहा जाता है भाई, दे दो फटाफट से आंसर। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो भी राइट आंसर, दे दो बच्चों इसका क्या रहने वाला है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा हिपोक्रेट्स। किसको कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हेल्थ इज नॉट डिफाइंड बाय, कि हेल्थ को हम किससे डिफाइन नहीं कर सकते। तो दे दो भाई फटाफट से अपना आंसर। वेरी गुड बच्चों, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, दे दो शाबाश, खींच दो मीटर आज तो। आसान आसान से क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, उम्मीद है आप इन सब का जवाब जरूर दोगे, ठीक है ना। जवाब जरूर दिया करो यार, जवाब पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप जितने आंसर दोगे ना उतना ही मतलब आप लोगों की जो प्रिपरेशन है जबरदस्त होगी, ठीक है ना। आंसर जरूर दिया करो मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, जेनेटिक डिसऑर्डर। कि हेल्थ है बच्चों वो डिफाइन होती है फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग से, बट जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है बच्चों वो क्या है, डेफिशिएंसी है एक तरह की, जो डिटेक्ट हो जाती है किसी बच्चे में उसी टाइम जब वो अपने पेरेंट्स के इनहेरिटेंस यानी अपने गुणसूत्रों को वेरिएशंस को स्वीकारता है उसी टाइम से, विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की हेल्थ को वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बच्चों, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिफाइन किया था भाई, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, दे दो आंसर मेरे साथियों। फटाफट से आंसर दिया करो यार ताकि वीडियो में टाइम कम लगे, जल्दी वीडियो कवर हो जाए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन यानी जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हार्वे ने, ठीक है। उसके बाद जो रॉबर्ट हुक है बच्चों, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी सेल की, किसकी की थी, सेल की, एक कोरक में यानी कोरक की छाल में उसने सेल की खोज की थी। अब आपसे पूछ ले डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज किसने की थी, वो भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद है बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, किसकी की थी, ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है भाई रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में कोशिका में न्यूक्लियस की खोज की थी, सेल में यानी कोशिका में किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टल नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, की कौन सी नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कैंसर। कैंसर क्या है, मोस्ट फर्टल नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है। 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से 9.6 मिलियन जो पीपल हैं वो इस बीमारी से मर चुके थे भाई, कैंसर से, ठीक है। और इसके बाद हैं एड्स हैं, वो मोस्ट फर्टल इन्फेक्टियस डिसीज है, अफेक्टेड नियरली, उसने इन्फेक्टेड किया था 36.9 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में। डायबिटीज और ओबेसिटी है बच्चों ये भी नॉन है इन्फेक्टियस डिसीज है, बट नॉट द मोस्ट फटल, ज्यादा इतनी इनके कारण डेथ नहीं होती बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भी क्वेश्चन नंबर 10 पे, डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू, डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, कि डिसीज को इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज में बांटा जा सकता है क्या, दे दो भाई फटाफट से इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है फटाफट से एक बार लाइव चैट में जी साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ट्रू है जी, ये बात सच है। डिसीज है उनको इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कि वो डिसीज जो ब्लड सीरम या किसी दूसरे बॉडी के फ्लूड के द्वारा फैलती है उनको इन्फेक्टियस डिसीज कहते हैं, और वो डिसीज जो इनके द्वारा ट्रांसमिट द विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेशेंट टू अदर पीपल्स यानी दूसरे पीपल्स में जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती, उनको कहेंगे नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल एजेंट दैट कॉज डिसीज, कि इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है जिसके कारण बीमारी होती है भाई, दे दो फटाफट से आंसर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है बच्चों, आज की क्लास लास्ट तक अटेंड जरूर करना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, रेडिएशंस। क्या रहेगा, ऑप्शन सी रेडिएशंस,
ठीक है। तो जो रेडिएशंस है बच्चों, वो फिजिकल एजेंट्स हैं जो बीमारी, जिनके कारण क्या होती है, बीमारी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, हीट, कोल्ड, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्म है, वायरस है, फंगी है, ये क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं बच्चों, और इनको पैथागन्स भी बोलते हैं, जिनके कारण काफ़ी सारी बीमारी जो है डिसीज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ आर इन्फेक्टियस डिसीज ट्रांसमिटेड, कि जो इन्फेक्टियस डिसीज है वो ट्रांसमिट कैसे होती है बच्चों, दे दो भाई फटाफट से आंसर। ये बीमारी के ऊपर, डिसीज के ऊपर स्पेशल रहेगी क्लास, क्योंकि डिसीज के मोस्टली क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ड्रोपलेट इन्फेक्शन। इन्फेक्टियस डिसीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है बच्चों। डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टियस पर्सन के कारण भी हो जाता है, एनिमल्स के काटने के कारण भी हो जाता है, कांटेक्ट विद सोयल के कारण भी हो जाता है, ठीक है। और प्लेसेंटल जो डिसीज है, ट्रांसमिशन है, वो भी ये है भाई, ठीक है। जैसे कि ब्लड है, ब्लड में किसी तरह की बीमारी है, वो ट्रांसफर कर दिया दूसरे की बॉडी में, तो उससे भी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जेंटल डिसीज, इनमें से कौन सी कॉन्जेंटल डिसीज है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, सिकल सेल एनीमिया, यानी एक दरांती की तरह जो सेल की शेप हो जाती है उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं बच्चों। ये कोजेंटियल डिसीज है, ठीक है। कोजेंटियल डिसीज क्या होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होती है बिफोर बर्थ ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, या जीन म्यूटेशन के दौरान, या डेवलपमेंट में कोई डिफेक्ट हो जाता है उस टाइम, जैसे ग्वाइटर हो गया, ये जो ग्वाइटर है, और क्वासियोकर डिसीज है बच्चों, ये डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनकी कमी की वजह से होती हैं। और जो आपकी ये लास्ट रह गई रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये किसकी वजह से, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है बच्चों। कौन सी, ऑटो इम्यून डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिट बाय ए डिसीज कॉजिंग पैथागन, कि कौन सी प्रॉपर्टी एक डिसीज कॉजिंग पैथागन एग्जिबिट नहीं करता, यानी उसके पास नहीं होती, फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड बच्चों, दे दो भाई आंसर फटाफट से, शाबाश, बस जवाब देते रहो यार इसी तरह से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन प्रॉपर्टी है, वो पैथागन्स एग्जिबिट नहीं करते बच्चों। और जो इनवेसिवनेस है, ठीक है, ये पैथागन्स की एबिलिटी होती है गेन एंट्री इनटू ए होस्ट एंड ग्रो, कि किसी सेल में एंटर करने की और ग्रो करने की प्रॉपर्टी होती है। और जो आपकी विरुलेंस है बच्चों, ये एबिलिटी होती है पैथागन्स की डिसीज को प्रोड्यूस करने की। और जो टॉक्सीजेनिसिटी होती है, ये पावर होती है पैथागन्स के अंदर, जो टॉक्सिन्स कैपेबल डैमेजिंग सेल्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं बच्चों। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ क्रोमोसोम्स म्यूटेशन हार्मफुल एलेल्स आर द मैकेनिकल एजेंट्स विच कॉज डिसीज, तो ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों, फटाफट से बता दो भाई। थोड़ा आंसर फास्ट दिया करो यार, सभी बच्चे आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि ये बात गलत है भाई। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन हार्मफुल एलेल्स आर द जेनेटिक एजेंट्स विच कॉज डिसीज, ये जेनेटिक एजेंट्स है, मैकेनिकल एजेंट्स नहीं है बच्चों। और दीज एजेंट्स डिसीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस, इनकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, एबिनिज्म, हेमोफीलिया, टर्नस सिंड्रोम, ये बीमारियां इनकी वजह से हो सकती हैं भाई, जेनेटिकली जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीजेनरेटिव डिसीज, कि कौन सी डिसीज डीजेनरेटिव नहीं है भाई, फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ओबेसिटी, कि जो डीजेनरेटिव डिसीज है ये वो डिसीज रहेगी बच्चों विच आर कॉज्ड बाय एजिंग रिजल्टिंग इन मल फंक्शनिंग और डिक्रीज डेफिशियंसी, कि ये एजिंग में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस टाइम होती है बच्चों, ठीक है। और जैसे हाइपरटेंशन हो गया, एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, एल्जाइमर्स हो गया, ये बीमारियां हैं, ये कौन सी होती हैं, डीजनरेटिव होती हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हेल्थ, इनमें से कौन सा हिस्सा जो हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, कौन सा पार्ट है भाई, फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस है भाई, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो डेफिशिएंसीज है भाई, ठीक है, डिफेक्ट है जो एक बच्चे में जन्म के टाइम आ जाते हैं, ठीक है ना, तो अपने पेरेंट्स से, तो वो बच्चे को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसकी बात कर ली, इन्फेक्शन है बच्चों वो भी करेगा, लाइफ टाइप रहन सहन का जो तरीका है वो भी बंदे की हेल्थ को अफेक्ट करेगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करेगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग वैक्सीन फ्रॉम अटेन्यूएटेड पैथोजन एंड इन विच ईयर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई, इसका आंसर जरूर देना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लुईस पाश्चर 1879, कि लुईस पाश्चर ने डिस्कवर की थी टेक्निक वैक्सीन को प्रिपेयर करने की किसी अटेन्यूएटेड पैथोजन से, ठीक है। दिस वॉज फर्स्ट ट्रू वैक्सीन, ये पहली ट्रू वैक्सीन थी, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द डिसीज चिकन कोलेरा। चिकन कोलेरा बीमारी के जो वीकेंड यानी कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे तैयार की हुई डिसीज थी, उनके अगेंस्ट तैयार की हुई जो वैक्सीन थी बच्चों, ठीक है। कौन सी डिसीज के लिए वैक्सीन तैयार हुई थी, ये चिकन कोलेरा के लिए बच्चों। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कि जो वैक्सीन टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी भाई, फटाफट से आंसर दे दो। बड़े अच्छे बच्चे हैं अभी, बस ऐसे ही तैयारी करते रहो यार, चिंता ना करो कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब निकलेंगे, टेंशन ना लो, आप लोग तैयारी करते रहो, ये सारी की सारी टेंशन मेरी है, जब फॉर्म आएंगे बता दूंगा, ठीक है, कैसे भरने हैं वो भी आप कहोगे तो बता दूंगा भाई, ठीक है, पेपर कब होगा वो भी बता दूंगा, बस आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर, और वैक्सीन के फादर भी इनको कहा जाता है भी, एडवर्ड जेनर को, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन टर्म सबसे पहले यूज की थी, ए वैक्सीन इज ए सस्पेंशन और एक्सट्रैक्ट ऑफ वीकेंड पैथोजन्स व्हिच व्हेन इंजेक्टेड इनटू ए हेल्दी पर्सन प्रोवाइड एक्टिव रिक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द डिसीज। जैसे कोरोना बीमारी के लिए जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन स्पूतनिक ये इंजेक्शन लग रहे हैं बच्चों, ये एक तरह की वैक्सीन है जो बीमारी के यानी उस वायरस के एंटर होने से पहले लगती है, जिसके कारण क्या है कि हमारी बॉडी में एंटीजन या और एंटीबॉडीज हैं, जो उस वायरस के एंटीबॉडीज है वो टाइम से क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर होगा तो एंटीबॉडीज उसको मारने के लिए टाइम से एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और टाइम टाइम से उसको खत्म कर देंगे, आपको हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन मेरे प्यारे साथियों के पेरेंट्स ने अभी तक इंजेक्शन नहीं लगवाया है, वैक्सीन नहीं लगवाई है, लगवा लें भाई, और जो मेरे डियर नियर स्टूडेंट्स 18 के हो चुके हैं वो भी वैक्सीन लगवा लें, कोई नुकसान नहीं है भाई, ठीक है, टेंशन ना लें, बस लगवा लो यार, क्योंकि आगे एग्जाम में हो सकता है कंडीशन आ जाए कि जिन्होंने 18+ वाले बच्चों के लिए कंडीशन आ सकती है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है उन्हीं का एग्जाम होगा, क्योंकि हरियाणा में जो अब नौकरी के एग्जाम हो रहे हैं चल रहे हैं उनमें ये डिमांड की गई है कि जिन कैंडिडेट्स ने वैक्सीन लगवा रखी है उन्हीं का पेपर होगा। तो जो 18+ वाले हैं वो चिंता करें, 18 से नीचे वाले इस बात की चिंता ना करें भाई, ठीक है ना, 18+ वालों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर प्रिपेयर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग, जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी वो किसको यूज करके बनाई थी बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पैथोजन्स फ्रॉम काउपॉक्स पोस्टुल, कि एडवर्ड जेनर प्रिपेयर्ड हिज फर्स्ट वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग पैथोजन्स फ्रॉम काउ पोस्टुल, ही इंजेक्टेड फ्लूड फ्रॉम द सोर ऑल मिल्कमैन सफरिंग फ्रॉम काउपॉक्स इनटू द बॉडी ऑफ हेल्दी बॉय विच डिड नॉट लेटर कैच स्मॉल पॉक्स। वैक्सीन लगने के बाद उस बच्चे को दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई आर द वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसिडर्ड एज सेफ, कि वैक्सीन्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाना प्रोड्यूस करना ही क्यों सेफ माना जाता है। तो दे दो बच्चों इसका राइट आंसर भाई।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दे हैव ओनली द कोट ऑफ पैथोगन्स, कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैथोगन्स की कोट होती है इसके कारण, ठीक है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनमें एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कोट ऑफ पैथोगन्स, और विच इज ऑलमोस्ट हार्मलेस, जो हानिकारक नहीं होते भाई। उसके बाद है बच्चों 22 क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है भाई, दे दो फटाफट से आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। व्हेन ए इम्यूनाइज पर्सन इज अटैक्ड बाय पैथोगन, की एक इम्यूनाइज पर्सन को पैथोगन्स क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो एग्जिस्टिंग जो बॉडीज है वो इमीडिएटली अटैक करेगी उसके एंटीजन पे, ठीक है, वाइल मेमोरी ऑफ टी एंड बी सेल गिव राइज टू ए मैसिव क्रॉप ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, की जो टी और बी सेल्स हैं वो क्या है, लिम्फोसाइट्स बनाएगी और एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है, वो एक्ट करेगी भाई उस बीमारी के खिलाफ। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, टॉक्सॉइड्स आर टॉक्सिन्स यूजुअली इनेक्टेड बाय फॉर्मेलिन विच रिटेन देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, क्या ये ट्रू है भाई, दे दो आंसर फटाफट से। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कि ये ट्रू है जी, ये बात क्या है, सच है, ठीक है, क्योंकि जो टॉक्साइड्स है वो क्या है, आर टॉक्सिन्स यूजुअली इनएक्टिव बाय फॉर्मेलिन विच रिटेन देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, और जो टॉक्साइड्स है बच्चों वो स्टिमुलेट करते हैं एंटी टॉक्सिन फॉर्मेशन को और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सोटॉक्सिन से, यानी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 24, एटीएस इन ऑक्यूलेशन सून आफ्टर इंजरी दैट ब्रिंग्स कॉन्टैक्ट विद सॉइल्ड ऑब्जेक्ट्स गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक ऑफ, बता दो भाई फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, टेटनस। एटीएस इनोक्यूलेशन सून आफ्टर इंजरी दैट ब्रिंग कॉन्टैक्ट विद सॉइल्ड ऑब्जेक्ट्स गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक ऑफ टेटनस वाउंड एंड क्यूट्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द रोड डस्ट मे कॉज द एंट्री ऑफ स्पोर्स इन टू द बॉडी और इंजेक्शन ऑफ एटीएस विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी गिव पैसिव इम्यूनिटी टू द इंडिविजुअल, यानी जो एटीएस इंजेक्शन है ना बच्चों ये टेटनस से बचाव के लिए लगाया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में यही रहेगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, ए डिसीज अगेंस्ट विच वैक्सीनेशन इज रिसोर्टेड ओनली ड्यूरिंग एपिडेमिक्स इज, तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कोलेरा, क्या रहेगा, ऑप्शन डी कोलेरा, तो कोलेरा इसका राइट आंसर होगा बच्चों। तो ये थी हमारी आज की क्लास भाई, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसके बाद बच्चों हमारा स्टडी मटेरियल का रिव्यू, हैंड रिटन नोट्स, रिविजन नोट्स, MCQ प्रत्येक चैप्टर के लिए डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट चल रहे हैं और क्विजेज जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, वीडियो प्रैक्टिस सेट हम आपकी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, आप लोगों ने हमारी क्लास को लास्ट तक देखा उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच भाई, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रेम प्यार अपना बरसाते रहिए और अपने एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।